मैं रश्मि पांडे जालौन मेट्रो से आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित छत्रसाल इंटर कॉलेज मैदान से, जहां स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाई थी। इसी स्थान पर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जालौन स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर्ग है। देखिए खास खबर हमारे कंसल्टिंग एडिटर देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। नमस्कार। स्वतंत्रता आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव सरकार इसमें धूमधाम से मना रही। पूरे देश में हर घर तिरंगा की अलग भी जगाई जा रही है। यानी कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस एक अद्भुत, अलौकिक और मतलब एक अपने आप में विस्मरणीय होने वाला। इस वक्त हम खड़े हैं नगर जालौन के छत्रसाल इंटर कॉलेज। ये वो जगह है जहाँ पर स्वयं महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी स्थान पर खड़े होकर यहाँ जालौन की जनता को संबोधित किया था और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने सम्मिलित होने के लिए अपील भी की थी। अलग जगाई थी एक आज़ादी की, स्वतंत्रता आंदोलन की इस आज़ादी की अलग के साक्षी आज हम आपको बनाने जा रहे हैं, इस जगह से रूबरू कराने जा रहे हैं। वैसे तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और हालांकि उसके दो साल बाद यानी कि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने जो है इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, लेकिन उनकी स्वतंत्रता के प्रति जो अलग थी वो बराबर जगती रही। और उसके यानी कि 1 अगस्त 1920 के बाद यानी कि 10 साल बाद यानी कि 1930 में महात्मा स्वयं यहाँ जालौन आए थे। राष्ट्रपिता जब यहाँ जालौन में आए थे तो ये छत्रसाल इंटर कॉलेज मैदान उस समय अपने अस्तित्व में भी नहीं था, बिल्कुल छोटी सी जगह थी। इसी यहाँ पर एक चबूतरा हुआ करता था, इसको बाद में नाम दिया गया गांधी चबूतरा। और यहाँ से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था, जालौन की जनता को संबोधित किया था। और उन्होंने एक चीज़ और कही थी, वो ये थी कि जालौन को स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर्ग कहा। जी हाँ, उन्होंने जालौन को स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर्ग भी कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज उसी चबूतरे पर हम खड़े हैं। पीछे हमारे महात्मा की मूर्ति, इस पर साफ साफ लिखा गया है महात्मा गांधी द्वारा इस स्थल पर जन संबोधन वर्ष 1930। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आकर इनकी इस मूर्ति का अनावरण भी किया। यानी अपने आप में ऐतिहासिक महत्व का ये स्थान और भी महत्वपूर्ण जब हो जाता है जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने जा रहे हैं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है, यही नहीं है कि हम एक आज़ादी का जश्न मनाएं, बल्कि ये है कि हर भारतीय के दिल में आज़ादी का वो जज्बा मौजूद होना चाहिए। वो चीज़ रोए रोए में बस जाए, मतलब वो चीज़ लोगों के दिमाग और दिल दिमाग में छा जाए कि आज़ादी होती क्या है, कैसे मिली ये आज़ादी, कब मिली ये आज़ादी और उस आज़ादी का असली महत्व तो क्या है। बहुत इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जालौन नगर का अपनी छत्रसाल इंटर कॉलेज मैदान भी जी इतिहास का गवाह है जी। क्या है वो बात और थोड़ी विशेषताएं बताएं हमें इस बारे में। विशेषता तो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। जब से स्वतंत्रता पूर्व जो आंदोलन शुरू हुए उसमें गांधी जी की एक अहम भूमिका थी जी। और उस भूमिका के चलते जो इतिहास यहाँ का गवाह है, छत्रसाल इंटर कॉलेज में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। छत्रसाल इंटर कॉलेज जालौन उस समय जब ये एक सादा फील्ड हुआ करता था, एक मैदान हुआ करता था, तो यहाँ पर एक विशाल जनसभा को महात्मा गांधी जी ने स्वयं आकर के उसको संबोधित किया था। और स्वतंत्रता आंदोलन में जालौन की नगर की और अपने क्षेत्र की जनता ने बहुत अथक प्रयास किया। गांधी जी ने आकर के स्वयं जो जो जलाई थी उसके अनुसार क्षेत्र की जनता ने पूर्ण सहयोग करते हुए और आज़ादी को पुनर्जीवित किया। उनको यादगार बनाने के लिए यहाँ पर जालौन नगर के लोगों ने यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति की स्थापना कराई है। और 1970 में श्रीमती इंदिरा जी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी देश की, और उन्होंने आकर के इस मूर्ति का अनावरण किया था।